जब भी अनारकली का जिक्र होता है तो लोग मधुबाला जी और मुगले आजम को याद करते हैं, लेकिन मधुबाला जी के भी पहले, कई साल पहले, कोई अनारकली बनी थी, द वेरी ब्यूटिफुल बीना राय। आज बीना राय जी के बारे में बात करेंगे, जिनको लोग थोड़ा बहुत भूल चुके हैं। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। बीना राय ये नाम तो बाद में पड़ा, पहले नाम था कृष्णा सरीन। ये एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुई थी, जगह थी लाहौर, और ये वो वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे। कुछ साल बाद फैमिली लाहौर से उत्तर प्रदेश में आके बस गई, और 1950 की बात है जब बीना राय लखनऊ में कॉलेज अटेंड कर रही थी, उस वक्त उनका ध्यान गया एक ऐसे एडवर्टिजमेंट पे जो बॉम्बे में टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बारे में था। बीना राय ने इस टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा, फैमिली की मर्जी के बगैर ये बॉम्बे आई और उस टैलेंट हंट को जीत लिया। गेस व्हाट, 1950 में उस टैलेंट हंट को जीतने के लिए बीना राय को 25,000 रुपए मिले थे, विच वॉज अ बिग अमाउंट, और इसी टैलेंट हंट को जीतने के लिए उनको मिली उनकी पहली फिल्म ऑपोजिट फिल्म मेकर किशोर साहू, जो खुद भी उस फिल्म में एक्ट कर रहे थे। फिल्म का नाम काली खटा। इस फिल्म में बीना राय को नोटिस किया गया और उनको फिल्मिस्तान स्टूडियो ने उसी वक्त साइन किया एक ऐसी फिल्म के लिए जो दो साल बाद जाके रिलीज हुई 1953 में। एक ऐसी फिल्म जो बीना राय के करियर की लैंडमार्क फिल्म बनी, एक ऐसी फिल्म जिसमें बीना राय के ऑपोजिट थे प्रदीप कुमार, एक ऐसी फिल्म जिसमें बीना राय टाइटल रोल प्ले कर रही थी, अनारकली। ये तो अनारकली और सलीम का फिल्मी प्यार था, लेकिन 1953 में ही एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें बीना राय जी को मिले उनके रियल लाइफ प्रिंस सलीम, प्रेमनाथ जी, जो बाद में जाके उनके हस्बैंड बने। फिल्म थी औरत। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इस फिल्म की वजह से बीना राय जी मिली प्रेमनाथ जी से और दोनों को प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली और PN Films नाम की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोल दी। इस फिल्म कंपनी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिसमें बीना राय हीरोइन थी, प्रेमनाथ हीरो थे। फिल्म्स लाइक शगुफा या प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा या चंगेज खान, सैडली इनमें से कोई भी फिल्म नहीं चली। वो दौर था जब बीना राय जी की कुछ और फिल्में भी आईं, फॉर एग्जाम्पल BR चोपड़ा की शोले ऑपोजिट दादामुनि अशोक कुमार, या फिर किशोरदा के साथ मत भरे नैन, या फिर इंसानियत जिसमें कि दिलीप कुमार और देवानंद एक साथ आए थे। इन सारी फिल्मों में लोग शायद बीना राय जी की अनारकली को ढूंढ रहे थे, मतलब अनारकली इतनी अच्छी बनी थी और बीना राय जी की वो इमेज ऐसी क्रिएट हो गई कि बीना राय को कभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला अपनी बाकी फिल्मों से जैसा उन्हें अनारकली से मिला था। बीना राय जी ने 1950s में ही एक ब्रेक लिया फिल्मों से अपनी फैमिली शुरू करने के लिए और फिल्मों में वापसी की 1960 में एक ऐसी फिल्म से जिसने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। एंड माइंड यू 1960 में मधुबाला मुगले आजम की वजह से नॉमिनेटेड थी, लेकिन अवार्ड गया बीना राय को फॉर द फिल्म घूंघट। में ही बीना राय जी ने एक और फिल्म ऐसी साइन की जिसमें फाइनली उनके अनारकली वाले को स्टार प्रदीप कुमार दोबारा उनके साथ दिखे और जनता ने इस पेयरिंग को दोबारा पसंद किया।
एक ऐसी फिल्म जिसके लिए बीना राय बनी मुमताज महल, एक ऐसी फिल्म जो 1963 में जाके रिलीज हुई थी, ताज महल। ताजमहल और अनारकली, इन फिल्मों की वजह से बीना राय जी की जो क्लासिकल इमेज तैयार हो गई थी, बीना राय जी को नॉर्मल रोल्स नहीं मिलते थे और उस वजह से उन्हें अच्छे रोल्स मिलने बंद हो गए। ताजमहल के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म थी अपना घर अपनी कहानी, जिसे बाद में प्यास नाम से रिलीज किया गया, जिसमें वो एक्ट्रेस मुमताज की माँ बनी थी। भले ही आज की यंग जनरेशन बीना राय को भूल चुकी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनारकली और ताजमहल की वजह से जो बॉलीवुड हिस्ट्री है उसमें बीना राय अमर हो चुकी है। बीना राय फिल्म इंसानियत का भी हिस्सा थी, जिसमें दिलीप कुमार और देवानंद एक साथ आए थे। उस पर मैंने ये वीडियो बनाया, इसको जरूर देखना। Take care. Ciao.